अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। पार्टी तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज की है, पर ये पार्टी है किस खुशी में? इट्स अ सरप्राइज पार्टी। ये मैंने अपने गर्लफ्रेंड के बर्थडे की खुशी में दी है। गर्लफ्रेंड? यस। तूने कभी बताया नहीं तेरी गर्लफ्रेंड भी है? हाँ, क्यों? उस पदनसीब से मुझे भी तो मिलवा। मिलेगा, मेरे पास फोटोग्राफ है। ओके। ये तुझे शर्म नहीं आती? ये नताशा है, मेरी होने वाली बीवी। ये? यस। इसका मतलब इसने हमें धोखा दिया है। अब पकड़ा गया है तो इल्जाम उसके सर पर लगा रहा है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तू देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मेरी बात का विश्वास कर, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी आकाश। मैं सच कह रहा हूँ, समझाओ यार इसे। तेरा क्या हाल करता हूँ? मेरी बात सुन। देखो इसमें बॉम्ब है क्या? अभिजीत, लगता है इसमें बॉम्ब है। सर कुछ तो है। बॉम्ब कभी भी फट सकता है। तुम लोग थोड़ा पीछे जाओ या बाहर जाओ। तुम लोग बाहर जाओ, जल्दी जल्दी प्लीज। सर इसमें बॉम्ब नहीं है। थैंक गॉड। अभिजीत जरा उनको बुलाओ। सर जरा आप लोग अंदर आइए। आप लोगों ने इसे पहले कभी नहीं देखा ना? नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। तो फिर आप लोगों ने यह कैसे समझ लिया कि इसके हाथ में ये जो बॉक्स है इसमें बॉम्ब है? सर 7 जुलाई के ब्लास्ट के बाद तो हर किसी को डर लगा हुआ है, और बॉक्स देखकर हमको लगा शायद इसमें कोई बॉम्ब होगा। और देखें इसके नीले हो गए। तुम लोग जा सकते हो। यस सर। हाँ दया। सर ये देखिए इसके होठ नीले पड़ गए। मतलब जहर हो सकता है। हाँ सर, इसके होठ पे यहाँ अंदर चोट लगी है सर, खून सूख गया सर, चोट पुरानी है, यहाँ नहीं लगी। सर ये कपड़ों पे भी दाग लगे हुए हैं सर,
मिट्टी के। ऐसा लगता है ये पहले कहीं गिरा होगा मुंह के बल और फिर उठ के यहाँ आया शायद। ये मरने से पहले इसने कुछ कहा, कुछ बोला, कुछ निकला इसके मुंह से? सर एक्चुअली बात यह है कि हम लोग बहुत घबरा गए थे, इसने अगर कुछ बोला भी होगा तो हम सुन नहीं पाए, म्यूजिक बहुत लाउड बज रहा था सर। इसका राज फोरेंसिक लैब में ही खुलेगा, वहीं पे पता चलेगा जहर कौन सा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदमी वहां डिस्को में पहुंचा कैसे। चल के पहुंचा। आई नो फ्रेडी, चल के पहुंचा था। मैं कब कह रही हूं कि लेट के गया था? इसके शरीर में जहर फैल रहा था जो इसके दिल तक पहुंच चुका था। इसके नीले पड़े हुए होंठ तो हमने भी देखे थे। ऐसा लगता है किसी ने इसे छोटा सा इंजेक्शन लगाया है जहर का। छोटा सा इंजेक्शन? जी हाँ, ये देखिए। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे किसी मच्छर ने काटा है। मच्छर ने सर? Come on, I like this man. एक आदमी बेचारा ऊपर चला गया है और आप कह रहे हैं कि मच्छर ने काटा है? नहीं, मैंने तो अपना एक ओपिनियन दिया है। मच्छर ने? एक बोलता है कि ये आदमी चल के आया और ऊपर से ऐसी थी। अब ये मत कहना कि मैं इसके पैरों में गुदगुदी कर रही हूँ। गुदगुदी? मुर्दे के पैरों में गुदगुदी? आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। ये देखिए, इसके पैरों पे यहाँ पे निशान है। जूते का है? लगता तो है इसके जूते में कुछ निकल रहा था जो इसके पैरों में चुभ रहा होगा, लेकिन फिर भी ये जूते पहनता रहा। इसके शूज कहाँ हैं? यहाँ हैं। मुझे तो इसके जूते चेक करने का वक्त ही नहीं मिला। ये लीजिए। फ्रेडरिक्स, जरा नाइफ देना तो। चाबियां? ये चाबी किसी पुराने ताले की है और ये किसी दरवाजे की। सर, पैर में चुभने के बावजूद भी ये आदमी यही जूते पहनता रहा, इसका मतलब है ये चाबियां इसके लिए बहुत ही काम की होंगी। मुझे जरा इस चाबी के बारे में कुछ बताओ। कल रात जब वो आदमी यहाँ आया तो तुम कहाँ थे? तुमने देखा था ना उसे अंदर जाते हुए? जी सर। तो फिर रोका क्यों नहीं है? सर, सब कुछ अचानक हो गया। एक गाड़ी आई और सर वो वहां पर रुक गए और सर गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी और रुक रुक कर चल रही थी सर, जैसे कोई दारू पी के चला रहा हो सर। अच्छा, फिर सर उसमें से एक आदमी उतरा बॉक्स लेके। सर मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, फिर भी सर वो डिस्को के अंदर गया। अच्छा ठीक है, वो गाड़ी दिखा, वो गाड़ी कहाँ है? सर सर वो गाड़ी तो क्या? गाड़ी कहाँ है? सर सर वो गाड़ी तो यहाँ से, सर गाड़ी यहाँ से चोरी हो गई सर। चोरी हो गई? कैसे? तुम यहाँ पे थे ना? मैं डिस्को के अंदर गया सर उस आदमी को रोकने के लिए, मगर अचानक सब लोग बाहर भागने लगे बॉम बॉम करते हुए। मैं घबरा गया सर,
मैं भी बाहर भागा, बाहर आया तो देखा सर वो गाड़ी गायब हो गई। मगर मगर क्या? मगर जहां पर सर वो गाड़ी खड़ी थी ना, वहां से मुझे सर ये मिला। स्लीपर? ये तो स्कूबा डाइविंग में काम आता है, पैर में पहनते हैं ना पानी के नीचे तैरने की। आपने इतने प्यार से कहा कि चाबी के बारे में पता करके दिखाओ, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लिया। इस चाबी के ऊपर जो जंग लगा हुआ है उसके बारे में पता चलेगा? उसे 1,00,000 times बड़ा करके दिखाएगा। उसके अंदर क्या है वो बता सकता है? देखो वही हो रहा है, ये चाबी पानी में बार बार रखी गई है या फिर बार बार पानी से कॉन्टैक्ट में। पानी से कॉन्टैक्ट? अरे निखिल यहाँ कैसे, आज रास्ता कैसे भूल गए? एसीपी साहब मैं आप सब लोगों को इनविटेशन देने आया हूँ। किस बात का? अपनी शादी का। 17 अगस्त को मेरी और अनन्या की शादी है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरी शादी में आए। जरूर आएंगे, अगर काम से फुर्सत मिली तो जरूर आएंगे। देख बात बता, तुम्हें अगर कोई जहर देकर मारने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगे? सीधी बात है सर, पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करूंगा। बराबर है, मतलब जान बचाने के लिए भागोगे या किसी डॉक्टर को ढूंढोगे, हल्ला मचाओगे, कुछ तो करोगे। जी सर। मगर इस आदमी ने ऐसा नहीं किया। ये आदमरी हालत में रात को अपने घर से बाहर निकला, ये बॉक्स उठाकर। ये किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया, ये बॉक्स उठा के क्यों भागा? हाँ सर, ये बॉक्स को ही उठा के क्यों भागा? इसके अंदर तो कुछ है भी नहीं, ये तो खाली है सर। और फिर बॉक्स उठा के एक डिस्को में घुस गया। शायद सर शायद वो मदद मांगने गया होगा। मदद मांगने के लिए पूरी दुनिया पड़ी थी, रास्ते में कहीं पे भी मदद ले सकता था, लेकिन वो डिस्को में ही क्यों गया? सर शायद वो कहीं आगे जा रहा था, पर वहाँ डिस्को के पास उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई, इसलिए वो कार से उतरा। होशियार लड़की, हो सकता है। सर कार के पास में से ये फ्लिपर भी तो मिला है। सर कहीं तैरने के लिए जा रहा होगा। रात को तैरने के लिए, शायद मरने से पहले स्विमिंग, शायद उसकी ये आखिरी इच्छा होगी। वैसे उस डिस्को के रास्ते में आगे एक लेक है ना? हाँ सर, करीब 1 किलोमीटर आगे मनोहर झील है। कहीं ये आदमी वहीं तो नहीं जा रहा था? सर हो सकता है उस झील के अंदर कोई चीज छुपी हो। हो ना हो, उस लेक में ही कुछ है। इस लेक के चारों तरफ लेजर के सेंसर्स लगा, देखो उस लेक के पानी में है क्या। सर स्कैनर नंबर 1 तैयार है सर। टू काम कर रहा है सर। सर स्कैनर नंबर 3, 4, 5, 6 सब रेडी है सर। गुड वर्क, अब हम पता लगा सकते हैं कि लेक के पानी में छुपा हुआ क्या है। सर दया गया पानी? हाँ सर, दया काफी देर से पानी के नीचे ही है सर। अभिजीत कुछ पता चला? नहीं अभी तक तो नहीं। चलो स्कैनिंग शुरू करो, सारे स्कैनर्स ऑन करो। अब एक नंबर दिखा। मैं भी जा रहा हूँ, वैन के अंदर जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ दिखा पानी के अंदर? नहीं सिर्फ कचरा। चल ऑल द बेस्ट। 5 नंबर दिखा। सर यहाँ पे कुछ है 5 नंबर पे। हाँ क्या हो सकता है, जरा बड़ा करो इसे।
बॉक्स जैसे कुछ दिख रहा है। अभिजीत, दया को बोलो 5 नंबर स्कैनर के सामने 10 मीटर पर कुछ है। दया, वहां सेंसर नंबर 5 के सामने वहां पे 10 मीटर पे कुछ है। अच्छा, देखता हूँ, मैं क्रेन का इंतजाम करता हूँ। अब हम वो चाबी लगा के देखते हैं जो उसके जूते में से मिली है। तो ये है वो राज। बाहर निकालो। ये स्टैम्प्स वाकई बहुत महंगे होंगे सर। तभी उस आदमी ने इन्हें यहां छुपा के रखा हुआ था। और देखो, वाकई बहुत महंगी लगती है, रेयर स्टैम्प्स लगती है। अरे, इस पे तो सिर्फ एक ही स्टैम्प लगी हुई है। ये एक ही क्यों? बाकी पैकेट्स तो स्टैम्प से भरे हुए हैं। फिर शायद ये वाली स्टैम्प ही हमें बता दे कि इसका मालिक कौन है, क्या नाम है उसका। किसी भी साहब, ये वाकई काफी रेयर स्टैम्प है। कहां से लेकर आया आप इसे? इसकी बहुत डिमांड है। आप जानते हैं इसकी कीमत क्या होगी? नहीं। इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपया है। 1 करोड़? जी, 1 करोड़। ये तो मर चुका है। हाँ, मर चुका है, नहीं तो इसी से नाम पूछ लेते। आप जानते हैं सर? नहीं, मैं इसे नहीं जानता। अगर इंडिया में स्टैम्प्स का ऑक्शन करता है मिस्टर नीला में, उसे मैं जानता हूं। तो उसी से पूछ लीजिए आप जरा। या हाँ भवन साहब, किम छो भाई। वोन साहब, आपसे ये पूछना था कि आपने कभी 1820 का यूएस, आई मीन टू से 1820 का यूएसए का बेनेडिक्ट का स्टैम्प ऑक्शन किया है? किया है? कब?
पांच साल पहले। तुम साहब आप मुझे ये बताओ कि ये स्टैम्प आपने किसको दिया था? राघव एन ब्लॉक नंबर 11 वरुण बाग पैलेस स्ट्रीट। यहाँ तो पहले से ही पुलिस है, क्या हुआ है यहाँ? सर अंदर रॉबरी हुई है। कब हुई रॉबरी? आप लोग? मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। सर क्या हुआ है यहाँ पर? सर रॉबरी हुई यहाँ पर, अलमारी तोड़ के करीब 5 लाख रुपए ले गए और ज्यादा इधर उधर हाथ नहीं लगाया। और हमारे घर की केयरटेकर मार्था को भी मारने की कोशिश की गई है। मार्था को? मार्था कहाँ है? जी वो इस वक्त आशा हॉस्पिटल में है। अच्छा ये सब हुआ कब? कल रात को। उस वक्त आप लोग कहाँ थे? सर कल जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त हम में से कोई भी घर पर नहीं था। देख जरा फोटो दिखाओ इन्हें, आप जानते ही ना। अरे ये तो मेरे भाई की तस्वीर है, राघव की तस्वीर। देखो सर। अरे क्या हुआ मेरे पति को? क्या हुआ इनको बताइए ना, क्या हुआ इन्हें? मैम आपके पति को किसी ने जहर देकर मार दिया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सर कहाँ मिली आपको मेरे भाई की लाश? अब कैसी तबीयत है आपकी? अब कुछ ठीक है। मार्था कल रात क्या हुआ था करीब 8 बजे? 8 बजे के करीब मैं किचन खाना बना रही थी हुआ सर। हाँ, हाँ? आप बड़े परेशान लग रहे हैं। परेशान? हाँ। नहीं कुछ भी तो नहीं है। फिर क्या हुआ? जब रॉबरी हुई है तभी गिरा है ये खून। मधु जी कल रात आप कहां थे जब ये सब हुआ? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं मधु जी, आप तो बुरा मान गई। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि यहां हुआ क्या है, इसलिए सोचा बस 2-4 सवाल पूछ लूं। That's all। यहाँ पास ही में डीनो मॉल है, मैं वहां शॉपिंग कर रही थी, मैं आपको बिल्स दिखाती हूँ। देखिए मधु जी उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ये लीजिए बिल्स। मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था, ये 7 से 9:30 का शो। और उसके बाद? उसके बाद मैं कॉल सेंटर चला गया अपनी नाइट शिफ्ट के लिए। नाइट शिफ्ट तो देर से शुरू होती है ना, करीब 12 बजे। वो क्या है कि ड्यूटी पे जल्दी जाना अच्छा होता है ना सर। अच्छा मतलब आप हर रोज ड्यूटी पर जल्दी जाते हैं? कभी कभी। मधु जी देखिए मैंने कहा ना आपको, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। आकाश आपको कब पता चला घर में रॉबरी हुई? ऑफिस से आने के बाद। राघव ने आपको फोन नहीं किया था? फोन? हाँ मैं 8 बजे के करीब जब ऑफिस में था तो राघव ने फोन किया था। उसने बताया कि वो इंग्लैंड जा रहा है। इंग्लैंड? वो इंग्लैंड जाता रहता था? 2-3 दफा गया तो है। उसके बाद क्या हुआ? फिर 9:30 बजे मार्था का फोन आया। मार्था 9:30 बजे? क्यों किस लिए? वो बहुत घबराई हुई थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी।
मैंने पीछे से दरवाजा पीटने की आवाज भी सुनी कि अचानक अचानक फोन कट गया। मेरे हाथ से फोन गिर गया। गुंडे दरवाजे को जोर जोर से धक्का मार रहा मार्था यहीं पे गिरी थी। मार्था ने बताया कि जब यहां रॉबरी हो रही थी तब राघव इस कमरे के अंदर ही था। वो कमरे के अंदर था लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो सकता ही नहीं, हुआ है। ये कमरा खोलो, चाबी है किसी के पास? नहीं सर, हम में से किसी के पास भी इस कमरे की चाबी नहीं। कमरे के डुप्लीकेट चाबी तो होगी ना किसी के पास? जी नहीं, हमारे पास कोई चाबी नहीं है, ना ही ओरिजिनल और ना ही कोई डुप्लीकेट। ऐसे कैसे हो सकता है? राघव ने हमें मना किया था, कोई मेरे कमरे में मत आना, है ना? वहां उसके स्टैम्प्स रखे होते हैं, वो उन पर रिसर्च करता था। बड़ा अजीब घर है ये। यहाँ घर के मालिक का खून हो गया है और 24 घंटे के बाद भी आप लोगों में से किसी ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं कि वो बेचारा है कहाँ। हम लोगों ने आपको आके बताया राघव की मौत हो गई है और उसके ऊपर से यहाँ एक रॉबरी भी हुई है जबकि घर का मालिक यहाँ कमरे में ही था। एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे, सच क्या है? सर सच तो आप ढूंढ कर बताइए ना। सच तो ये है कि मुझे लगता है ये रॉबरी कुछ छुपाने के लिए की गई है। इस खून और रॉबरी में घर का ही कोई आदमी मिला हुआ है। मेरे ऊपर पति के खून का इल्जाम? सिर्फ आपके ऊपर नहीं, सबके ऊपर। ये क्या कह रहे हैं आप हमारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते? ये सरासर बेइज्जती है हमारी, इट्स एन इंसल्ट। अरे इंसल्ट की ऐसी की तैसी। फ्रेडिक्स, इन सबको फॉरेंसिक लैब में लेके चलो और इनका खून का टेस्ट करवाओ। और जो खून हमें किचन और रूम में से मिला उसके साथ इनका खून मैच करके देखो। अभी पता चल जाएगा रॉबरी के वक्त यहाँ कौन था और कौन नहीं। चलिए। अरे रुकिए, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारे घर से हमें निकाल रहे हैं। चलिए प्लीज चलिए। अरे 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 आप चोरों को पकड़िए ना, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे आप ये आप सुन, चोर पकड़ में नहीं आ रहे, हमारा खून टेस्ट कर रहे हैं। चोरों को पकड़ना सीखिए। हाँ चलिए चलिए। अगर मार्था सच बोल रही है कि उसने राघव का दरवाजा खटखटाया था तो राघव ने दरवाजा खोला क्यों नहीं? वो अंदर ऐसा क्या कर रहा था जो बाहर इतना हंगामा होने के बावजूद भी उसने ये दरवाजा नहीं खोला? इस कमरे में कुछ सीक्रेट है। तुम्हारे पास वो चाबी है ना जो राघव की जूते में से मिली थी? सर लगा के देखो। सर ये देखिए, चेयर गिरी, इसका मतलब वो यहां नीचे गिरा था। खाली है कहीं? बियर पी का तो टून नहीं हो गया? से एक बॉटल बियर से तो एक बॉटल बियर से कोई टून हो सकता है। हाँ अगर उसमें कुछ जहर हो तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ इसका मतलब सर वो मुंह के बल ऐसे गिरा होगा। इतने जोर से गिरा है तो बेहोश होगा, तभी गिर गया। गिरने से पहले बेहोश? हाँ। तो सर मुझे लगता है जब वो यहाँ पे बैठा था तो किसी ने उसे इसी कमरे में यहीं पे जहर का इंजेक्शन लगाया और उसके बाद वो यहाँ पे गिरा। बाहर रॉबरी होती रही और वो यहाँ पड़ा। पर अभिजीत उस वक्त घर में और कौन था? मार्था। मतलब सर मार्था? यस,
मैं पहले से ही कह रहा हूँ, ये सारा चक्कर उस मार्था का ही है और उसके बाद में वो रॉबरी का ड्रामा किया गया। सर, सर फ्रेडरिक्स उन लोगों को लेकर गए हैं। गुड, अभिजीत फ्रेडरिक्स को फोन करो और उसे कहो कि मार्था को भी फोरेंसिक लैब में बुलाओ और उसका भी ब्लड टेस्ट करवाओ। अब हमें वो ढूंढना है इस कमरे में जो खून करने वाले ने या खून करने वाली ने कुछ ऐसा सबूत छोड़ा हो जिससे हमें पता चले कि वो है कौन। यस सर। वही वाली स्टैंप, 1 करोड़ की। 1, 2, 3, 4। फ्रेडरिक्स, उस मार्था मैडम को भी फोरेंसिक लैब में बुलवाओ, उसका भी खून चेक करना है। हाँ, लगता है ये सब उसने किसी के कहने पे किया हुआ है। क्या हुआ मुझे? वहां से कुछ निकला, यहाँ पे डेस्क में से कुछ निकला है सर। उसका भैया हॉस्पिटल लेके जाओ इसे जल्दी। संभाल के क्या तुम मैनेज कर पाओगे ना सर? हाँ सर, इस डेस्क में से इराको को कुछ लगा होगा। नहीं विजय, नहीं, दूर हटो, डेस्क को हाथ मत लगाओ, दूर हटो। अभी जरा डेस्क को हिला या फिर ड्रॉअर खोलने की कोशिश करो। दूर से, दूर से, दूर से। देखा, इसे ने ड्रॉअर में फिट किया है कुछ चक्कर। राघव ने ड्रॉअर खोला और मरा यहां। ये देखो तो भाई, 1 करोड़ वाले स्टैम्प। हाँ, 4 है 4। कहीं इन्हीं के लिए तो खून नहीं हुआ है? राघव को जान से मारने का सामान, वो जहर भरी पिन जिस किसी आदमी ने उस टेबल में लगाई, उसे वो वहां से निकालने का टाइम नहीं मिला, फंस गया वो। मगर तुम सब लोग ये भूल गए कि घर में खून की बूंदे गिरी थी। अभी पता चल जाएगा कि वो खून किसका है। ये खून मेरा ही होगा, मैं गिरी थी ना जमीन पे, आप लोग मुझे क्यों फंसा रहे हो? नहीं मार्था, ये खून तुम्हारा नहीं। सा मार्था, माना कि वो खून तुम्हारा नहीं है, मगर घर में जो रॉबरी हुई है उसमें तुम्हारा भी हाथ है। उन रॉबर्स को तुमने ही घर में बुलवाया? नहीं सर। नहीं सर, यही आप ऑफिस में थे ना जब राघव ने तुम्हें फोन किया था 8 बजे? जी हाँ, 8 बजे राघव बेहोश पड़ा था और आप मॉल में थी जब राघव ने आपको कॉल किया। हाँ, लेकिन वो कॉल तो मुझसे मिस हो गई थी ना। तुम फिल्म देख रहे थे? जी जी। जो पैसे घर में से लूटे उसमें से मार्था को कितने दिए? मार्था कितने पैसे दिए लूटने से? मैंने कुछ नहीं लिए। पैसे क्या बकवास कर रहे हैं आप? कहाँ है वो पैसा? कौन से पैसे? कैसे पैसे? ये क्या चक्कर है? मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे घर में कोई पैसे नहीं देता था, इसलिए मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रॉबरी का प्लान बनाया। राघव का खून क्यों किया? नहीं नहीं, मेरा कोई खून नहीं किया, मैंने सिर्फ रॉबरी की है। जिस दिन से मैंने दूसरी शादी की है तुम सबके दुश्मन बन चुके हो। वैसे भी तुम्हें राघव पसंद नहीं थी, लेकिन लेकिन अपने घर में रॉबरी की तुमने और अपनी डैड का खून करवा दिया तुमने। छी, मुझे शर्म आती है,
तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। नहीं मॉम, खून मैंने नहीं किया। हमें तो पता ही नहीं था कि डैड घर के अंदर है, वरना हम रॉबरी करते ही नहीं। मालूम है कमरे के अंदर और क्या था? 4 करोड़ के स्टैम्प्स थे। क्या? 4 करोड़ के स्टैम्प्स? सर मुझे लगता है ये हितेन सच बोल रहा है। अगर उसे मालूम होता कि कमरे के अंदर 4 करोड़ के स्टैम्प्स रखे हैं तो वो इतनी मेहनत नहीं करता सेफ तोड़ने में। सर अच्छा हुआ हितेन कमरे के अंदर नहीं। क्यों? सर ये देखिए, फिलैटेलिक सोसाइटी से रिपोर्ट आ गई है सर। ये स्टैम्प जो हमें लेक में से मिली है ये तो करीब 180 साल पुरानी है, और ये स्टैम्प जो राघव के कमरे में से मिली है सर, इनका पेपर सिर्फ 10 साल पुराना है। 10 साल पुराना? यस सर। मतलब ये चारों स्टैम्प्स नकली हैं? चारों की चारों नकली हैं सर। वो 4 करोड़ के स्टैम्प सिर्फ 40 रुपए के निकले। सिर्फ 40 रुपए? हाँ, आपका भाई नकली स्टैम्प्स बनाकर बेचता था। नकली स्टैम्प? जी हाँ, और हमें उसके कमरे में से खूनी के फिंगरप्रिंट्स भी मिले। फिंगरप्रिंट्स? कहाँ पे? अभिजीत दिखाओ जरा। आइए सब लोग, आइए आप लोग प्लीज। ताला ठीक किया तुमने? अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अभिजीत ये क्या किया तुमने? दरवाजा अपने आप बंद। एसीपी साहब ये क्या मजाक है? फ्रेडरिक्स दरवाजा, चाबी दो, दरवाजा खोलो। चाबी? हाँ। चाबी नहीं है सर, खो गई। दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए एसीपी साहब। फ्रेडरिक्स तुम्हारे जैसा लापरवाह ऑफिसर मैंने आज तक नहीं देखा है। जाके चाबी वाले को लेके आओ, डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए। सब दरवाजा खोलिए, देखिए मुझे घुटन हो रही है। ये गलत बात है एसीपी साहब, दरवाजा खोलिए प्लीज। क्या हुआ आपको? अरे आप लाइट क्यों ऑफ कर दी? ये अचानक लाइट कैसे चली गई? अभिजीत तुम ऊपर जाके चेक करो, देखो क्या हुआ। फ्रेडरिक्स तुम बाहर जाके चेक करो जल्दी। लाइट जलाइए प्लीज एसीपी साहब, लाइट जलाइए। देखिए तुम लोग फिक्र मत करना, दया आता ही होगा चाबी वाले को लेकर। हाँ, तो ठीक चल रहा है, लगता बाहर ही कुछ हुआ है। अच्छा सर, बहुत गड़बड़ हो गई है सर, पूरे एरिया की लाइट गई है। लाइट को भी अभी जाना था? ये लाइट क्यों नहीं आ रही है? क्या हुआ मार्था? किसने मुझे छुआ? क्या बकवास कर रही हो तुम? एक बार पहले भी तुम कर चुके हो ऐसा। क्या भाई यार बातें कर रही हो? एसीपी साहब मुझे बाहर निकालिए, मुझे बाहर निकालिए, मेरा दम घुट रहा है प्लीज। सर सर चाबी वाला कहीं भी मिल जाएगा। माय गॉड अब क्या करें? दरवाजा तोड़ दे क्या? एसीपी साहब दरवाजा खोलिए प्लीज। आतिश माथा को तुमने हाथ क्यों लगाया? ऐसी हरकत करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? ओ शट अप शट अप, जानबूझ कर थोड़ी किया मैंने। एसीपी साहब दरवाजा खोलिए, मैं मर रहा हूं। और तो माथा चुप हो जाओ वरना गांव फूट जाएगा। चलो आतिश क्या कर रहे हो? आतिश छोड़ दो उसे। दरवाजा जरा मजबूत है सर, टूट नहीं रहा। तो फिर अब इन लोगों का क्या होगा? एसीपी साहब मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, प्लीज मुझे बाहर निकालिए। फ्रेडरिक्स तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये लोग अंदर फंस गए, समझे? मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है एसीपी साहब, मैं एक मिनट भी नहीं रह सकता यहां प्लीज। देखिए अब कुछ नहीं हो सकता, कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा, फिर मिलेगा चाबी वाला। अरे जा रहे हैं ये लोग। एसीपी साहब, एसीपी साहब आप हमें इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? सॉरी माधव जी, लेकिन हम कल सुबह जरूर मदद लेकर आएंगे। चलो दया। रुक जाइए, कहीं मत जाइए, रुक जाइए एसीपी साहब प्लीज। चाबी है मैं बताता हूँ कहाँ है। मेरे रूम के ड्रॉअर में डुप्लीकेट चाबी है, जल्दी से चाबी मंगवाइए और दरवाजा खुलवाइए। जल्दी से चाबी मंगवाइए एसीपी साहब, जल्दी से दरवाजा खुलवाइए प्लीज। ये आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, सबको देख लूंगा मैं, एक एक को जेल भिजवाऊंगा। वो मेरा भाई नहीं, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था वो। बचपन से मुझे नीचा दिखाते आया है। कुछ सालों के बाद पता नहीं कहां से अचानक उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया, सब लोग हैरान रह गए। फिर मुझे पता चला कि
उसने अपने स्टैम्प्स के शौक को अपना बिजनेस बना लिया था, नकली स्टैम्प्स बनाने का बिजनेस। बस मैंने तभी डिसाइड किया कि राघव को रास्ते से हटा के उसका बिजनेस खुद करूंगा। और एक दिन मैंने उसके कमरे की डुप्लीकेट चाबी बनवाई, और उस दिन घर में जब कोई नहीं था तो मैं उसके कमरे में घुस गया। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा वो बेवकूफ भतीजा हितेन वो उसी वक्त वहां रॉबरी करने आएगा। यही वक्त मिला था उसे रॉबरी करने का। उसकी बेवकूफी की वजह से पुलिस वहां आ गई, और मुझे वो पिन भी ड्रॉर से निकालने का वक्त नहीं मिला। मिस्टर आतिश, अब बाकी की आतिशबाजी खेल में।